हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ खास टिप बताने वाला हूँ, ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। दोस्तों, काफ़ी लोग ये गलतियाँ करते हैं और किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया मिल गया, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स से और आप लोगों के जो सवाल पूछते हैं उन सब की वजह से ये आइडिया दोस्तों मेरे दिमाग में आते हैं। तो इसी तरीके के आप कमेंट नीचे करा करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी वीडियो के हम कमेंट पढ़ते नहीं हैं, वीडियो के कमेंट पढ़ने के बाद ही उसके दोस्तों हम उसी तरीके की वीडियो लेके आते हैं। तो देखिए, एक बुकरम हमने ली, इसको हमने डबल में इस तरीके से मिला के इसे जो है क्रीज बना ली। अब गला कटिंग करने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक निशान लगा लिया। अब किसी को गले का डीप चाहिए 7 इंच, तो वो क्या करता है, सीधे में 7 इंच का इस तरीके से निशान लगाया, देखते रहना, 7 इंच का निशान लग गया। और अब इसको इस तरीके से ऐसे करके ये जो निशान हमने लगा लिया ये सीधा हो गया और हमने ऊपर से 7 इंच का निशान लगा लिया। अब गले का ब्रॉड है उसका मान लो 2.5 इंच, यानी कि 5.5, हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। ऐसी एक निशान हमने यहाँ पे लगा लिया 2.5 इंच का। तो हम जब इसे ऐसे सीधा करेंगे तो दोस्तों 7 इंच का निशान आपने इस तरीके से लगाया, जो कि ये गलत है। अब गलत किस जगह पर आएगा, अभी नहीं आएगा, आप देखो 7 है तो ये थोड़ी कि आप 7 इंच का ही निशान लगाओगे, आपको कंडी में दबाव देना है तो 7.5 भी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि हम किसी का नाप लेते हैं तो हमेशा देखिए नाप कैसे लेते हैं, इस तरीके से इंची टेप रख के इस तरीके से तिरछे में नाप लेते हैं, तो ऐसे आप सीधा कैसे रख सकते हो। तो देखिए इसका मैं कारण बताता हूँ, इसे आप ध्यान से समझें। तो देखिए सीधा आपने 7 इंच रख दिया, अब हम इसे तिरछा करेंगे और इसे नापेंगे तो दोस्तों कितना आ रहा है, ये 7.5, और यहाँ पे कितना था 7, यानी कि 2.5 इंच में तो चलो बिल्कुल ओके है, आपकी कोई अल्टरेशन नहीं आएगी। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ को ध्यान दें। अब मान लो किसी को हल्का ब्रॉड पहनने की आदत है, वो कर लेता है 6 इंच, तो हम 6 पे भी निशान लगा लेते हैं, हम इसको नापते हैं तो दोस्तों ये देखिए हल्का सा हमारा बढ़ गया, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, हमारा 7 इंच का गला है, सीधे में 6 इंच में भी ओके आएगा। लेकिन इसी जगह किसी को दोस्तों ब्रॉड चाहिए और वो पहनता है 8 इंच का ब्रॉड गला, आदत है पहनते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ 4 इंच में निशान लगा लेते हैं, 8 है तो हम 4 इंच का ब्रॉड का निशान लगाएंगे और नीचे भी हम सेम निशान लगा के इसे, जैसे हमने ये निशान खींचा है ऐसे हम ये खींचते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमारा 7 इंच का गला, हम इसे ऐसे सीधे में नहीं रखेंगे, ऐसे अगर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ तिरछे में हम नापेंगे गला कितना जा रहा है दोस्तों, 8.25 इंच, यानी कि गले का डीप होना चाहिए 7.5, ये आ गया आपका 8.25, कितना बड़ा हो गया, इंची टेप जितना चौड़ा, जो कि कभी कभी क्या होता है गला डीप होने का कटने के बाद बिल्कुल अल्ट्रेशन कभी उसकी ठीक ही नहीं होती, और ये ऐसा मेरे साथ भी एक दो बार हो चुका है। क्यों, क्योंकि मैंने भी कभी कभी बोला चलो मेरे दोस्त यार जो कारीगर होते हैं हमने उनको देखा ऐसे कटिंग करते हैं, बोला चलो मैं भी कटिंग कर लेता हूँ, लेकिन हमेशा क्या होता था उनके अल्ट्रेशन आती थी कि उनके गले अक्सर डीप हो जाते थे, लेकिन मेरा डीप नहीं होता था क्योंकि मैं हमेशा ऐसे नाप के कटिंग करता था। तो दोस्तों इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे, यह हिस्सा है गलत और इस तरीके से नाप के करेंगे यह सही तरीका। तो जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से नहीं करना, ना गला नापने का तरीका ये है, इस तरीके को फॉलो करके चलेंगे, चाहे आप इसके लिए कितना भी ब्रॉड गला पहन लें। एक होता है बोट नेक गला, ये तो हमारा नॉर्मल गला है, बोट नेक गले को हम सीधा इसी तरीके से सीधे में नापते हैं, जैसे कि कोई 3.5 का हो गया, कोई 4 इंच का हो गया, उसमें हम तिरछा नहीं करते। ये चीज़ आप हमेशा आजमाना, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा और गला कटिंग हमेशा तिरछे में करेंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपकी जो कमियाँ आती थी गले में इसको काफ़ी ज़्यादा हद तक आप इस टिप से जो है सुधार सकते हो। और दोस्तों नई नई टिप जानने के लिए आप हमें अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हो, हो सकता है कि उससे मैं कोई और वीडियो आपके लिए बहुत प्यारी लेके आऊँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।